महिला कांग्रेस की नवागत प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल के टीकमगढ़ नगर आगमन पर महिला कांग्रेस एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह स्वागत सम्मान किया गया, तो वहीं महिला कांग्रेस कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष श्रीमती पूनम जायसवाल के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें देश एवं प्रदेश में सुरसा की तरह मुंह पसार रही महंगाई और बेरोजगारी एवं महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर श्रीमती विभा पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, समूचे देश में महंगाई और बेरोजगारी की मार से दर दर भटक रहा नौजवान एवं मध्यम वर्गीय परिवारों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने कहा, महिला कांग्रेस दिन रात मेहनत करके लोगों को जागरूक करेगी एवं आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सफल बनाने के लिए अहम भूमिका निभाएगी। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। जिस तरह से विधायकों को खरीदा गया, क्या वो आप लोगों से किसी से भी छुपा हुआ है? आपकी विधायक कैसे बन गए? स्थानीय जी उनकी कांग्रेस में ठीक है, निष्ठा तो सबकी होती है, शायद कहीं प्रलोभन उस निष्ठा से ऊपर निकल रहा है। महंगाई बढ़ रही है और मध्य प्रदेश में खासतौर पर जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं होती हैं। और महिला कांग्रेस का अब आगे यही प्रोग्राम है कि हमारा जो हमारी जो आम बहनें हैं वो जो महंगाई से प्रताड़ित होती हैं, हम उन सबकी आवाज़ बने। और जिस तरह से प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उन दोषियों को दंडित कराने में महिला कांग्रेस अपनी भूमिका अदा करे। हम लोग लगातार इसमें आगे लोग महिलाओं की आवाज़ भी उठाएंगे और सड़कों पर भी संघर्ष करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।